नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और इस वक्त एक बड़ी खबर हरियाणा से जुड़ी हुई, विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। तारीखों में बदलाव हुआ है। पहले 22 तारीख से शुरू होने की बात थी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, लेकिन अब यह तय हुआ है कि 26 दिसंबर से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। पहले 22 दिसंबर तय हुआ था कि 22 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन अब यह फाइनल हुआ है, यह तय हुआ है कि विधानसभा सत्र 26 दिसंबर से शुरू होगा। और इसकी वजह है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। जी हां, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी और उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत की। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की बातचीत के बाद तारीखों में यह बदलाव हुआ है। तो एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों में बदलाव। और अब विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 दिसंबर से शुरू होगा। एक अहम खबर, हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब जुड़ चुके हैं। नमस्कार कंवरपाल जी, स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। तारीखों में जो बदलाव हुआ है, इसके पीछे एक बड़ा अच्छा सामंजस्य ये नजर आया कि विपक्ष और सरकार के बीच एक अच्छे अंदाज में ये बातचीत की, आपने फिर बदलाव कर दिया है। कहा जा रहा है कि 26 तारीख हो गई है अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज हमने पहले फैसला किया था कि 23-24 से शुरू करेंगे, लेकिन जैसे ही फैसले का पता चला और हुड्डा साहब से बात हुई तो हुड्डा साहब ने कहा कि उनकी कोई यात्रा है उस दिन। जी जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की जोड़ो यात्रा है वो है रही उसने, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है अगर उनकी यात्रा रही तो बातचीत करी, और हमने सब महाराष्ट्र किराई है ही ठीक है, अगर उनकी यात्रा रही तो फिर उसकी डेट आगे कर देते हैं, क्योंकि अगर विपक्ष वहां नहीं है तो फिर तो सेशन का कोई वो नहीं रहता ना। जी अच्छा सर, ये अगर मान लीजिए सरकार अपनी बात पर अड़ जाए कि नहीं हम तो इन्हीं तारीखों में कराएंगे, तो विपक्ष उसमें कुछ कर सकता है? नहीं, विपक्ष करने की बात नहीं, मैसेज क्या जाएगा? मैसेज की बात है जी, पूरे प्रदेश में मैसेज क्या जाएगा? प्रदेश में तो यही मैसेज आएगा ना कि सरकार बचना चाह रही। जी उसका मैसेज तो ही जाएगा ना जी। हाँ। लेकिन बचने की बात नहीं, विपक्ष भी हाउस में होगा तभी तो गंभीर चर्चा तभी होती है ना जी, जब विपक्ष भी हाउस में होगा। अगर विपक्ष हाउस में नहीं है फिर क्या चर्चा होगी? और इसलिए हमने उस पर गौर करते हुए ये निर्णय लिया कि क्योंकि विपक्ष किसी काम में व्यस्त है तो इसलिए हम इसकी डेट को अगर 1-2 दिन बढ़ा दे तो वो ठीक रहेगा। और ये एक अच्छा संदेश है कि हरियाणा में सरकार विपक्ष के साथ जब ऐसे कुछ मामले फंसते हैं तो विपक्ष की बात भी मानती है। नहीं बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, वो जनप्रतिनिधि है, क्या बात है। जी अच्छा कौनपाल जी, भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ये तय हुआ है कि आगे बढ़ाते हैं तारीखें। भारत जोड़ो यात्रा पर आपका क्या कहना है? आप देख रहे हैं, अगर हम इस बात से अलग हटकर बात करें, जो राहुल गांधी की यात्रा चली आ रही है, हरियाणा में भी आने वाली है, बड़ी कामयाब यात्रा कहा जा रहा है इसको? देखिए मेरा मानना यह है कि हर पार्टी को ये राइट है, अधिकार है, और अधिकार के साथ साथ मैं मानता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों का कर्तव्य भी है कि वो जाएं लोगों के बीच में, उनकी समस्याएं सुने, उसकी बात को रखें, अगर वो सरकार में है तो उसको इम्प्लीमेंट करें, और अगर विपक्ष में है तो सरकार के सामने उस बात को रखें, क्योंकि कोई भी है, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, दोनों की जिम्मेदारी जो है जनहित के लिए काम करना है। तो वो एक एक व्यक्ति ऐसा है जो सलाह देके जनहित कर सकता है, एक व्यक्ति ऐसा है जो उसको इम्प्लीमेंट करके जनहित कर सकता है, तो दोनों की ड्यूटी बराबर है। मैं समझता हूँ अगर वो यात्रा करते हैं अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए खबर अभी तक पर कंवरपाल गुर्जर साहब। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं वो, तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ये फैसला हुआ है कि शीतकालीन सत्र को आगे बढ़ाया जाए। और उन्होंने साफ कहा कि जब विपक्षी नहीं होगा, जब सत्र के अंदर विधानसभा के अंदर विपक्ष नहीं होगा, तो फिर एक हेल्दी डिस्कशन नहीं हो सकता, एक मजबूत चर्चा नहीं हो सकती, एक सार्थक चर्चा नहीं हो सकती, और इसलिए विपक्ष का होना जरूरी है।